हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टिकेट कैसे लगाते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं वो दिखा देता हूँ। देखिए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो आपको स्टिकेट दिख रही है, इस टाइप की ऐड कैसे लगाते हैं, मैं वो चीज़ बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। और ये देखिए, देख रहे होंगे नीचे जो नीचे स्टिकेट है फोटो में, वो भी मैं बताऊँगा। और जो आप देख रहे होंगे ये हेडर में जो स्टिकेट ऐड आ रही है छोटी सी, ये मैं बताऊँगा वो कैसे हेडर में जो आ रही है वो कैसे लगाए, मैंने बताया था एक बार दिखा के। देखिए, जो हमारे जो मोबाइल में यूजर विजिट करता है ना, तो एक बार मोबाइल भी दिखाया था आपको, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोबाइल में ना ये हमारी ऐड जो है ना ढक गई है, ठीक है दोस्तों, ऐड हमारी ढक गई है। अब जैसे यहाँ यूजर इसको स्क्रॉल करेगा, उसको ऐड दिख जाएगी। देखो, स्क्रॉल के यहाँ पे ऐड आ गई, ठीक है दोस्तों। अभी जो ऐड आ रही है ना स्टिक, ये अलग से लगाया गया कोडिंग करके। तो इसका जो है ना यहाँ पे कोई जब बंदा मेन्यू पे क्लिक करता है तो ऐड पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक का चांस रहता है ऊपर हेडर में और फुट में, इसलिए ऐड लगाता है। तो ये मैं ऐड आपको लगाना बताऊंगा इस वीडियो में। और आप ये देख रहे होंगे, ये जो थीम है ना, ये जो जो वर्डप्रेस वेबसाइट है जो, तो ये पूरा वेबसाइट आपको ए टू जेड में बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसमें बात नहीं बताऊँगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप वीडियो का आखिरी तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ क्या करना है, कि आपके डाउनलोड ये ऐड स्क्रिप्ट है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में, आपको इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसको एक्सेप्ट करना है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको एक्सेप्ट फाइल करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद देखो, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा, तो पासवर्ड में आपको मेरे चैनल का नाम देना है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें मेरे चैनल का नाम आएगा, पासवर्ड मांगा, तो उसमें मेरे चैनल का नाम डाल देना, इसको ओके कर देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट ऑप ये जिप फाइल ओपन हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे फोल्डर को, इसके अंदर ओपन, देखिए यहाँ पे दो फाइल मिलेगी, ठीक है। तो जो पहली वाली फाइल है ना ऐड स्क्रिप्ट, इसको हमको ओपन करना है कि इसमें एडिटर में ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है ओपन विद, जैसे ओपन विद पूछ रहा है। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आपको एडिटर में एडिटर चूज़ करना है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अपना ये नोट पैड ओपन कर लीजिए, NOT नोट पैड, ठीक है। नोट पैड ओपन कर लिया, ओपन करने में यहाँ पे कंट्रोल ओपन फाइल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका भी है, हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको हम जो है ये यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे, ठीक है दोस्तों, हम भाल लें। अब इसको हम यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा कोड, ठीक है। अब कोड आ गया दोस्तों, तो और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल, न्यू कंट्रोल फाइल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे स्टाइल आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, तो मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ निकाल रखा, देखिए दोस्तों, ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो है, ये ऊपर वाला कोड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है साइड बार एड, ये फाइव साइड बार, एक 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 ऐड आपको लेफ्ट के लिए यूज़ करना है, एक राइट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और ये है मोबाइल के लिए, ठीक है, जो हम हेडर में लगाएंगे ऐड। और ये है डेस्कटॉप के लिए, जो हम छोटे से ऐड लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एडसेंस का कोड आएगा दोस्तों, ठीक है, आपका एडसेंस कोड ध्यान रहे एकदम, ठीक है। और ये आपका जो है ये डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट कोड है, एक कोड से मैंने इतना सारा कोड जनरेट किया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। तो ये तो कोड मैंने आपको दे दिया, और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट विजिट वेबसाइट ओपन कर लेना है। एक मिनट, मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसे देखिए, ये वेबसाइट है, इसमें ऐड नहीं है अभी, मैं इसमें ऐड लगा के बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं ब्राउज़र का वो छोटा कर लेता हूँ, ब्राउज़र बड़ा है थोड़ा सा, इसको मैंने कर लिया 80%, ठीक है। अभी ओरिजिनल ब्राउज़र लग रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा साइज बढ़ाया था अपने आप ही, अभी इसका साइज पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे पहले हमें अपेयरेंस में जाना है, कि मेटर में जाना है, ओपन इट, ठीक है। उसके बाद हमें एडसेंस अकाउंट में जाना है, एडसेंस अकाउंट में हम चले जाएंगे, भाई एडसेंस अकाउंट है, वहाँ पे हमें एक एडसेंस का कोड कॉपी करना है, अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड। तो यहाँ पे जाएंगे एड्स में, ठीक है। एड्स में जाने के बाद फिर हमें एक ऐड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऐड कॉपी कर लिया यहाँ से, मेरा ऐड कॉपी हो गया, ठीक। कॉपी करने के बाद हमें उसको क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फोल्डर। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हमें जाना है अपने कोड में, ये जो हमारा कोड है इस यहाँ पे लिखा है ऐड योर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एडसेंस का कोड डालना है, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे अपना एडसेंस का कोड डाल दिया, मेरा एडसेंस का कोड हो गया। देखिए दोस्तों जो सेंटर है ना सेंटर, देखिए दोस्तों ये सेंटर एंड सेंटर दोनों सेंटर के बीच में आपका एडसेंस का कोड आना चाहिए, और यहाँ पे आपको ऑटो ऐड लगाना है, ठीक है। तो ऑटो ऐड का मैंने कोड लगा दिया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमें इसको जो है ना सीधा एक फुटर डॉट पी एच पी फाइल लेती है, फुटर डॉट पी एच पी फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हमें जाना है सबसे नीचे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉडी टैग से हमें पहले लगा देना, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग है, इसे हमने पहले लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको अपडेट कर देना, ठीक है। और ये हमने एक काम कर दिया, तो अब दूसरा आप सी एस एस फाइल यहाँ पे जाएंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे ओपन न्यू टैब में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एडिशनल सी एस एस ओपन करना है, ठीक है। एडिशनल सी एस एस में जाके देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सी एस एस, एक मिनट, ये सी एस एस नहीं है, मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करता हूँ ओपन फाइल, ओपन फाइल में जाने के बाद ठीक है, ये हमारा सी एस एस है, ठीक है। तो हमारी एड स्क्रिप्ट था, तो हमने ये ऊपर पर ये चीज़ याद रखी है। मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे जो हमारा स्टाइल जो सी एस एस है, तो यहाँ पे ऊपर वाला मैंने कोड डाल रखा है, ठीक है। ऊपर वाला जो सी एस एस है ना, ये ऊपर वाले कोड के लिए, ये ऊपर वाला कोड जो है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो जो दूसरा वाला सी एस एस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा वाला सी एस एस है, तो ये है हमारा इसके लिए साइड बार वाली ऐड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टिकी ऐड आफ्टर 5 सेकेंड, ये अलग चीज़ है, आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते, करना चाहे तो मैं आपको सारा दे दूँगा, ठीक है। इसमें देखिए ये मोबाइल का है, ये डेस्कटॉप का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना 8 मोबाइल ऐड, यहाँ पे लिखा है 9 मोबाइल ऐड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा है 8 मोबाइल ऐड्स, यहाँ पे 9 मोबाइल ऐड्स, ठीक है ना। तो ये इसका कोड है, तो जो कोड आप यूज़ करेंगे उसका ही सी एस एस यूज़ करना है, कोई दूसरा यूज़ नहीं करना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सबसे ऊपर वाला मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया था ऊपर वाला, तो मैं ऊपर वाला लगा कर सी एस एस यहाँ तक है, देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने इसके यहाँ से कर लिया दोस्तों कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपको सीधा कस्टमाइजेशन में जाना है, यहाँ पे सी एस एस में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको क्या करना, पब्लिश, ठीक है। पब्लिश कर दिया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हमने एडसेंस कोड लगा दिया था, और वो है सब चीज़ लगा दिया, सी एस एस लगा दिया। वेबसाइट पर एक बार चेक करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का ऐड आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड लोग ज़्यादातर लोडिंग वगैरह के लिए करते हैं, लोडिंग के लिए हाफ पेज की ऐड रिक्वायरमेंट होती है, एडसेंस लोडिंग वगैरह करते हैं, तो मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट बना रखी है। बाकी मैं आपको और टाइप का भी बताऊँगा दोनों साइड में कैसे ऐड लगाएं। देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ मोबाइल में, ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। देखिए मोबाइल में भी इस तरीके से ऐड आएगा, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं हमारा इस तरीके से ऐड आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको जो है यहाँ पे कट का बटन है, कट क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है स्टिकी ऐड। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा था, ये जो हमारा ऊपर वाला स्टिकी ऐड था ना, ये हमारा हाफ पेज वाला, ठीक है। और जो ये हमारा सबसे नीचे वाला नहीं है, यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिव 5 सेकेंड, तो ये भी हमारा जो है ना हाफ पेज वाला है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ना 5 सेकेंड बाद इसमें क्रॉस वाला बटन शो होता है, ठीक है, और इसमें तुरंत शो होता है। मैं दिखाया था एग्जांपल तुमको, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे जो है ना ये ऐड काटने के लिए जो क्रॉस वाला बटन आ रहा है ना, यहाँ 5 सेकेंड बाद शो होगा, ठीक है, अगर नीचे वाला कोड यूज़ करोगे तो, ठीक है। और ऊपर वाला कोड यूज़ करोगे तो तुरंत ये कोड, ये क्रॉस का बटन आ जाएगा, इसको बंदा ऐसे कट करके हटा देगा, ठीक है। अब मैं दूसरा ऐड दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से कैसे कैसे लगाना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए होगा। तो मैं इसको जो है ना रिमूव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कर दिया रिमूव। अब यहाँ पे से इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या काम, क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐड लगाएंगे, तो पहले उसको देख लेते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइड बार ऐड, ठीक है। तो साइड बार ऐड के लिए ये हमारा सी एस एस फाइल है, सी एस एस स्टाइल ऑफ सी एस एस, ये हमारा है स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बार 1, साइड बार 2, ठीक है, मतलब साइड बार 4, साइड बार 5 है ना, लिख रखा है। इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ पे ले आएंगे, इसमें ले आएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे साइड बार 4, साइड बार 5,
यहाँ पे आपका एडसेंस कोड आएगा, यहाँ पे आपका एडसेंस कोड आएगा, याद रखिए ठीक है, ध्यान से। उसके बाद फिर हमने इसका सी एस एस कॉपी करना है, सी एस एस है, हम इसको भी कॉपी करेंगे ठीक है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जाएंगे कस्टमाइजेशन में, यहाँ पे हमें सी एस एस लगा देना ठीक है। और सी एस एस लग गया, इसको हम पब्लिश कर दें ठीक है, पब्लिश कर दिया ठीक है दोस्तों। अब हमें ऐड भी तो लगाना है, तो ऐड हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ऐड ऐड चाहिए होगा, तो हम एक ऐड क्रिएट कर लेंगे ठीक है। हमें इसे फिक्स साइज में क्रिएट करेंगे, तो हमें लंबा वाला ऐड चाहिए, तो यहाँ पे साइज साइज सेलेक्ट करेंगे, किस साइज पे चाहिए। हमको चाहिए 300 विथ, नहीं हमको चाहिए 200 विथ, और हाइट चाहिए 600 ठीक है। तो 200 विथ हाइट 600 कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 200 की जगह 150 भी कर सकते हैं, 150 150 भी बहुत है ठीक है। 150 के साथ आप यहाँ पे 100 करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 कर देंगे ना, 100 पे भी चल जाएगा, देखिए दोस्तों नहीं आ रहा, 120, देखिए 120 के 120 पे भी आ जाए ठीक है। आप अपने हिसाब से करें, कोई वो नहीं है, तो 120 पे आपको दिखा दे रहे हैं। एक मिनट, क्रिएट किया, एक मिनट, यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, देखिए दोस्तों हमें क्रिएट होने में कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा था ऐड कोड ठीक है, तो ऐड कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया ठीक है दोस्तों। तो दूसरे यहाँ पे लिखा था ऐड कोड, यहाँ पे हम जो है ऐड कोड को पेस्ट कर देंगे ठीक है दोस्तों, पेस्ट कर दिया। हम इसको अपडेट कर देंगे ठीक है दोस्तों, अपडेट करने के बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट में, इसको हम एक बार ना रिफ्रेश मारेंगे ठीक है। हमने रिफ्रेश मार दिया, एक मिनट ऐड आया कि नहीं है देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो ऐड है ना फुटर में दिखा रहा है ठीक है, फुटर में दिखा रहा है, इसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में नहीं दिखा रहा है, शायद हमें सी एस एस वर्क नहीं कर रहा, तो कोई बात है, हम इसको दूसरे मेथड में यूज़ करेंगे। इसको क्या करेंगे हम देखिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको, लेकिन अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो एक प्लगइन आपको यूज़ करना पड़ेगा। प्लगइन वो हर कोई बंदा यूज़ करता है, इतना तो मुझको पता ही है ठीक है, तो आप यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कंट्रोल कट कर दिया मैंने, इसको अपडेट कर दिया। तो हम यहाँ पे जाएंगे पहले प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन्स पे ठीक है। अभी प्लगइन क्या काम करता है आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों ये शायद प्लगइन है एच एम, यही होगा मेरे सबसे, मैं देखता हूँ। यहाँ पे जो है हेडर फुटर कोड मैनेजर है ठीक है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे इंस्टॉल करके, ये प्लगइन है हमारा, तो यहाँ पे आ गया हमारा ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्निप पे ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना हमने एक ऐड सेलेक्ट करनी ठीक है। ऐड सेलेक्ट करने के बाद जो हमने कोड बनाया था ना, देखिए दोस्तों वो कोड हमें यहाँ पे लिखना है ठीक है। हमने यहाँ पे कोड लगा दिया ठीक है, अभी ये वही वही यही वाला कोड है, देखिए ये तो हमारा सीएसएस था, ये हमारा कोड है, ये वाला कोड ठीक है। हमने बीच में एडसेंस गाइड लगाया था, अभी आपके सामने आपने ध्यान दिया होगा, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया ठीक है। यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं ना पीले पीला, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहने दो, उसको अंदर कर देंगे, देखिए सही हो जाएगा, देखिए सही हो गया है, ये अलग दिखा रहा है, ये भी सही होगा ठीक है। अब इसको जो है पब्लिश करना है, पहले यहाँ पे नाम डाल देंगे साइड बार ठीक है, SID SIDBAR साइड बार ठीक है। यहाँ पे HTML में HTML रखेंगे ठीक है, यहाँ पे साइड वाइड है, और यहाँ पे जो है एक्सक्लूड पे ठीक है, यहाँ पे पोस्ट पे ठीक है। अब मैं आपको बताया था यहाँ पे करना क्या, आपको काम क्या ठीक है, यहाँ फुटर कर देंगे ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐड कहाँ पे दिखानी है, साइड वाइड मतलब पूरी साइड पे दिखानी है ना, तो साइड वाइड रहने दीजिए, क्योंकि ये जो साइड साइड में जो ऐड आएगी ना पूरी साइड पे दिखेगी, आर्टिकल वाले पेज पे दिखेगी, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे दिखेगी, हर पेज पे दिखेगी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बस खाली आर्टिकल वाले पेज पे देखे या फिर और पेज पे ना देखे, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक पोस्ट मतलब सिर्फ पोस्ट सिंगल मतलब कोई सेलेक्टेड पोस्ट पे देखे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। हम यहाँ पे होम पेज कर देता हूँ, तो सिर्फ होम पेज पे देखिएगा ठीक है। हम यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया स्पेसिफिक कैटेगरी ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी मेरे को सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी कैटेगरी। अब मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर दिया, अभी स्पोर्ट्स पे दिखेगा अभी ऐड, और कहीं नहीं दिखेगा ठीक है। तो ऐड दिखने का मतलब नहीं है, जो कोड हमने डाला ना ये कोड ना उसी कैटेगरी पे ही दिखेगा, ये कोड से मतलब है हमें ठीक है, कोड दिखाने से। तो हमें तो सब जगह दिखाना, हम साइड वाइड कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ ब्लैंक ठीक है, यहाँ पे कर देंगे सेव ठीक। सेव करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक्टिवेट होगा, एक्टिव है ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे देखिए ऑल सेमी पाएंगे, देखिए हमारा कोड एक्टिव हो गया, यहाँ पे कोड एक्टिव है ठीक है।
और इसका एक फ़ायदा बताऊं, कभी भी आपको लगे मेरे को ऐड बंद करना है, ठीक है, तो आपको ऐड कोड हटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा ऑफ़ कर दो, ऐड बंद हो जाएगा तुम्हारा, कि कोड तुम्हारा ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है, जो तुमने अभी कोड डाला है इसमें, ठीक है, ऐसा ऑन कर देंगे, ऑन हो जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है इसका। अभी देखो मैं एक वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों, एक मिनट, इसका जो है मेरे को साइज़ मेरे को छोटा करके देखना पड़ेगा एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइज में दिक्कत आ रही थी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेबसाइट में आ गया, लेफ्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऐड आ गया, ठीक है दोस्तों, आ रहे ना, कोई दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा ना, मैं कोई आर्टिकल खोल के दिखा देता हूँ आपको, देखिए दोस्तों ऐड आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और है कि अब ये जो है ना ज़्यादा गैप ले रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैंने इसको जूम कर दिया तो ऐड हट जा रहा है, देखिए मैंने जूम किया हट गया, ठीक है, अब मैं इसको जूम जैसे मैं कर देता हूँ 80% तो आ गया, ठीक है, तो इसको सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें साफ साफ लिखा है विथ, मिनिमम विथ लिखा है, ठीक है, तो और यहाँ पे लिखा है मिनिमम हाइट लिखा होगा, ये मिनिमम विथ पोजीशन फिक्स टॉप हाइट 100% विथ 120 विथ, यहाँ पे विथ दोस्तों 120 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, 120 तो ठीक है, ज़्यादा तो है नहीं विथ, और यहाँ पे देखते हैं तो मेरे जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो थोड़ा सा अलग साइज़ का है, तो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन बढ़िया लगता है मेरे को, ये इसका स्क्रीन मेरे को तो बहुत परेशान करता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले एक ये जो वेबसाइट दिखाया था मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, देखिए इसमें इसमें साइज़ वाइज कुछ भी रिसेट नहीं किया, ठीक है, साइज़ देखिए कितना है इसमें, देखिए साइज 90 है ना, 100 कर दो, देखिए 100 कर दिया, 90 कर दिया, ठीक है, ये जो ये इसका ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है, जो मेरे कंप्यूटर का साइज़ ये बड़ा है, ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर साइज़ बड़ा है, वेबसाइट का साइज़ छोटा, वेबसाइट अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने इसे साइज़ छोटा किया ना आपके सामने, तो अब ये वेबसाइट मेरी ओरिजिनल दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अगर इस साइट को आप अपने कंप्यूटर में ओपन करके देखना, इतना स्क्रीन रहेगा, इतना रहेगा, क्योंकि मैंने इतना जानबूझ के गैप दे रखा, अगर मैं चाहूँगा ना वेबसाइट को और पतला कर सकता हूँ, ठीक है, और चौड़ा कर सकता हूँ मेरे अपने मेरे हाथ में, ठीक है, कोई वो नहीं है, तो इस तरीके से आपके भी आप भी इस तरीके से ऐड लगाने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही नीचे फुटर में वाली ऐड लगाने के लिए, वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जाना, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है मोबाइल, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप वाला है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद एक स्नैप ऐड करना है, और यहाँ पर ना यहाँ पर डाल देना है FOOTER, ठीक है, फुटर डाल दिया, और अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे अलग अलग टाइप की ऐड दिखाऊं, मोबाइल में अलग टाइप की ऐड दिखाऊं, तो उसके लिए आप इसको देख कर कोड जनरेट भी कर सकते हैं, वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तो आप इसी को देखिए, यहाँ पे फुटर डाल दिया, यहाँ मैंने कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है, कोड पेस्ट कर दिया, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है नाम, पढ़िए NR9 डेस्कटॉप, यहाँ 9 डेस्कटॉप लिखा है, तो इसका CSS हमें कॉपी करना पड़ेगा पहले, स्टाइल CSS, ये स्टाइल होता है ना, अब ये स्टाइल CSS ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये जो है ना स्टाइल होता है इसका, स्टाइल का मतलब जैसे हम स्टाइल मारते हैं, स्टाइल मार के चलते हैं, किसी चीज़ को स्टाइल देते हैं या फिर कंप्यूटर को स्टाइल देते हैं, तो वैसे स्टाइल होता है, आपको लाइव लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाऊँ तो आपको मज़ा आएगा देखने में, अगर बता रहा हूँ मैं, देखो हमें दिखाता हूँ, आप भी देखे वो कब खुश हो जाओगे, देखिए अभी हमारा जो है ना यहाँ पे हमें जैसे इसमें कस्टमाइजेशन में जाते हैं, सही है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर लिखा हुआ, कहीं पे कलर कहाँ है हमारा बैकग्राउंड कलर, देखिए अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा 00, ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज, ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए दोस्तों, सेव करने के बाद देखिए दोस्तों, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया ना, और ये देखिए इसमें बैकग्राउंड कलर क्या था, मैंने ब्लैक किया है अभी तो आपके सामने किया ब्लैक, ठीक है, तो ये हमने स्टाइल दे दिया, नया स्टाइल दे दिया, तो आप अपने तरह से स्टाइल भी दे सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, आप सोच आप चाहते हैं कि जो ये बैकग्राउंड कलर है इसी कलर से ये कलर मैच हो जाए, या फिर आप चाहते हैं व्हाइट दिखे, या फिर आप चाहते हैं कुछ अलग दिखे, तो आप उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल अच्छी लगेगी वेबसाइट, एकदम लुकिंग बेस्ट लुक होगा, आप जैसे मन करें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है,
मैंने तो अभी ऐसे दिखा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको पहले से कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी हो गया। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमें सी एस एस कॉपी करना है। सी एस एस किसका, जो हमने कोड कॉपी किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे लिखा है देखिए 9। ठीक है, तो डेस्कटॉप 9 एड से कॉपी करेंगे सी एस एस। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कोड तो लगा दिया, अब सी एस एस लगाना बाकी है। तो सी एस एस के लिए हम यहाँ पे देखो एंटर मारेंगे, स्पेस दे के फिर हम सी एस एस को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें गैप ज़्यादा है तो हम इसको गैप कम कर देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला अलग है, नीचे अलग। ठीक, अब यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे एडसेंस कोड लगाना है यहाँ। ठीक है, एडसेंस कोड कौन सा लगाना है, आप जिस साइज, जिस जितना आपको एडसेंस का एड का एड दिखाना है, जिस साइज का वो साइज का लगाइए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये कोड कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कोड को यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने कोड लगा दिया। अब मेरे को ऐड कोड का साइज चाहिए। ठीक है, देखिए जो दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं, एडवांस चीज़। आप लोग यहाँ से एडसेंस कोड जनरेट करते हैं ना, साइज एडिट करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं और जनरेट करते हैं, यहाँ से एडिट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, वो भी वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपकी पब्लिशर आईडी, ये पब्लिशर आईडी मेन होती है। ठीक है, और ये स्लॉट आईडी और पब्लिशर आईडी, ये दो चीज़ मेन होती है। ठीक है, बाकी जो ये डिस्प्ले लिखा है ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पे आपका साइज लिखा है विथ और हाइट। विथ और हाइट ये एडसेंस कोड नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हमने साइड बार वाली एड को एड का कोड कॉपी किया है। ठीक है, अब इसको मैं फुटर वाली एड बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, विथ इसकी चेंज करनी पड़ेगी, विथ कर देते हैं 1200। ठीक है, विथ हमने कर दिया 1200, और इसका हमने वो हाइट कर दिया, कितना हाइट, जैसे मान लीजिए इसका हम एक बार 100 करके देख लेते हैं, हाइट कितना ऐड आ रहा है। ठीक है, 100 चल जाएगा वैसे। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले एक टीवी सेव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी से पेस्ट कर दिया। देखिए अब मैं आपके यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एड लाइव लाइव रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी ऐड आ गई है। ठीक है, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो भी ऐड रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मोबाइल व्यू में देखना है आपको, मोबाइल व्यू में देख लीजिए, जैसे करके मोबाइल व्यू में देखा। देखिए इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए मोबाइल इस तरीके से ऐड आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में थोड़ा सा अलग दिखे, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है उसके लिए। देखिए, और जैसे हमें जो यहाँ पे जो अभी क्रिएट किया था, एक मिनट, जो हमने यहाँ पे ये किया था फुटर ऐड, फुटर में हमें यहाँ पे लिख देना है DES डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कर देना। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे साइड वाइड नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पता है क्या सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिवाइस, डिवाइस में हमें सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप। तो जो हमने ये ऐड लगाई है ना, ये ऐड लगाई, इसी ये ऐड है डेस्कटॉप ऐड, तो इसको हम एडिट कर रहे हैं। इसको हमने क्या सेलेक्ट किया, ओनली डेस्कटॉप, तो मतलब ये ओनली डेस्कटॉप पे शो होगी, कंप्यूटर पे शो होगी, मोबाइल पे तो शो नहीं होगी, है ना। तो मोबाइल के लिए हम अलग से ऐड लगाएंगे, तो यहाँ पे ओनली डेस्कटॉप करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐड जो है हमारे डेस्कटॉप में रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे डेस्कटॉप में शो हो रही है। ठीक है, हमें इसको जो है यहाँ से डेस्कटॉप, मैंने यहाँ से ऐड ऑफ कर दिया, डेस्कटॉप को इसके लिए ऑन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें साफ साफ है, पहले हमारा फुटर डेस्कटॉप है, जब मन करे तब ऑन करो ऑफ करो, दूसरे साइड बार है। एक और ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे फुटर, फुटर के बाद लिख देंगे मोबाइल, MOBIL। ठीक है, मोबाइल लिख देंगे, यहाँ पे HTML है तो इसको हम HTML रहने देंगे, यहाँ पे साइड बाइड है रहने देंगे, तो इसको हम हेडर की जगह फुटर में कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे शो ऑल डिवाइस है, हम तो मोबाइल में डिवाइस में, क्योंकि हम मोबाइल में दिखाना और कहीं दिखाना नहीं, मोबाइल डिवाइस में करके हम उससे यहाँ पे कोड डालना थे। कोड हम यहाँ से लेंगे, देखिए जो हमारा ऊपर जो ये मोबाइल वाला कोड था, ये नीचे डेस्कटॉप वाला, ये ऊपर मोबाइल वाला है, मोबाइल वाले कोड को कॉपी करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पे सीधा इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो है सी एस एस हमारा फाइल है, सी एस एस हम कॉपी करेंगे, ये रहा मिल गया, ये यहाँ से हमने सी एस एस कॉपी किया, इसको Ctrl C। उसके बाद फिर हम इसको कस्टमाइजेशन में जाके यहाँ पे सी एस एस पेस्ट करेंगे, जब यहाँ पे जाएंगे एंटर मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, पेस्ट करेंगे हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट कर लेंगे, बड़े से रिफ्रेश कर लिया, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अपडेट हो गया शायद मेरे हिसाब से। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें ऐड का कोड लगाना है, तो ऐड का कोड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो है ना हम इसको कॉपी करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड का कोड भी लगा देंगे। ठीक है, ऐड का कोड लगा दिया, और हमें साइज़ सेट करना है, कितना साइज मोबाइल में, क्या साइज होता है मोबाइल में, होता है शायद 320 कर देते हैं, अच्छा 350, 320। ठीक है, और ये इसका जो है वो कर देते हैं 60। ठीक है, यहाँ पे कर दिए 60। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है,
सेव करने के बाद हम देख लेते हैं मोबाइल व्यू में क्या आ रहा है। तो इसमें तो मोबाइल व्यू दिख रहा नहीं है, खैर मैं इनकॉग्निटो ब्राउज़र में देखो मोबाइल में आपका ऐड बदल गया ना, ठीक है। तो साइज़ वगैरह जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज़ मैंने गलत गलत सेलेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी रिफ्रेश करूँगा फिर भी ऐड अच्छा आ जाएगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव ऐड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत वैसे कुछ नहीं हो रहा, ये उसका दिक्कत नहीं है, कोड का दिक्कत नहीं है, ये एडसेंस का दिक्कत है, ऐड का दिक्कत है। यहाँ पे आप पीला पीला देख रहे हैं ना, जितना स्क्रीन पीला पीला दिख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो पूरा ऐड का स्क्रीन है, ठीक है। आपको ऐड साइज़ चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार, ऐड साइज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 380, ठीक है, और यहाँ पे 60 की जगह कर देता हूँ ये 55, ठीक है, ये 55। अब यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ ना, अब देखिए अपडेट करने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं इसका ये सब चीज़, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं मोबाइल ऐड का, यहाँ पे फिक्स बॉटम -10px, ठीक है, लेफ्ट से 1%, ठीक है, विथ 100%, ठीक है, 60, ठीक है। आप इस कोड को यूज़ करके ना ऐड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी इसमें सब चीज़ ओके है, इनकॉग्निटो ब्राउज़र में दिखा देता हूँ एक बार चेक करके, ठीक है, इसको मोबाइल व्यू में करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मोबाइल व्यू में करने के लिए यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव में जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव में जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे जाने के बाद मैं जाता हूँ इसमें से हमारा स्पोर्ट्स में जाता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों मोबाइल व्यू में हमारे इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे ऐड दिख रहा है ना, इसका टैप टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो है ना ये दिखा रहा है, तो नीचे दिखा रहा है, साइड में दिखा रहा, तो इसलिए दिखा रहा होगा। यहाँ पे जो है ना हमें सेटिंग करना पड़ेगा, जो देखिए यहाँ पे हमें जा करके, सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे, तो देखिए जो हमारी साइड बार वाला ऐड था ना, साइड बार डेस्कटॉप, तो इसका एडिट करेंगे, ठीक है। साइड बार वाले में हमने एक चीज़ नहीं किया था, यहाँ पे लिखा शो ऑल डिवाइस, ऑल डिवाइस पे नहीं करना है बाबू। तो यहाँ पे भाई हमको ओनली डेस्कटॉप करना है, क्योंकि हमें डेस्कटॉप पे दिखाना है साइड बार वाला ऐड, सब जगह दिखाना नहीं है, डेस्कटॉप पे करके इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सारा जो मैंने अभी जितना बताया ना, अगर ये सारा कर लेंगे ना तो आपका ऐड भी आ जाएगा, ऐड भी लग जाएगा, और तो और आपको लगाना भी आ जाएगा, ठीक है, लगाना ही आ जाएगा। उसके बाद जो है ना आप इसको फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐड आप एफिलिएट की ऐड लगा सकते हो, हर टाइप की ऐड लगा सकते हो, कहीं भी ऐड लगा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ठीक है।